हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है ऑलिको पॉली मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली ऑलिको पॉली मार्केट स्ट्रक्चर एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर फ्यू लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं जैसे कि आप कह सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर स्टील या कम्युनिकेशन टेली कम्म्मुकेशन सेक्टर या कंप्यूटर सेक्टर, सेक्टर में आप ले लीजिए दो ही बड़े प्लेयर हैं लाइक आप अगर प्रोसेसर में देखें कंप्यूटर प्रोसेसर वगैरह में तो वहाँ पर आपके पास नज़र आते हैं इंटेल और ए दोनों आपस में एक बड़े प्लेयर हैं और पूरे वर्ल्ड ग्लोब लेवल पर कंपीट करते हैं कंपटीशन ज्यादा होता है या आप मोबाइल चिप्स में ले लीजिए क्वालकोम है मीडिया टेक है ये सबसे बड़े जो है आपके पास कंपनीज यहाँ पर उभर के आती है तो इसी तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में जो है ऑलिगो मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पर फ्यू लार्ज नंबर ऑफ़ फर्म्स होती हैं यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ़ फर्म्स में आपके पास लार्ज कैपिटल या लार्ज बड़े स्केल पर काम करने वाली फर्म्स के बारे में बात हो रही है और उनके नंबर्स जो है फ्यू होंगे कम से कम जो है वो होंगे ठीक है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर या स्टील या कंप्यूटर या पेट्रोकेमिकल सेक्टर में हो सकती है इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर ओनली फ्यू फर्म्स ऑपरेटेड एंड वन अदर एंड द एंट्री एंड अ न्यू फर्म्स इज द इम्प्लीड ऑलिगोपॉली इफ आल्सो ऑफेंड टू रेफर द कंपिटिशन अमोंग द फ्यू फॉर्म्स यहां पर कंपटीशन है बट फ्यू फॉर्म्स के बीच में है और ऑलिगोपॉली मार्केट के अंदर आपके पास प्रोड्यूस होता है होमोजीनस प्रोडक्ट तो आप उसे प्योर ऑलीगोपोली कहते हैं बट अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है तो आप उसे आ, मतलब ओलीगोपॉली मार्केट कहेंगे बट प्योर परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट ऑलीगोपोली या इम परफेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट है तो आपके पास ओनली ओलीगोपॉली बट अगर प्रोडक्ट होमोजीनस है सेम प्रोडक्ट है तो वहाँ पर आप कहेंगे प्योर ओलीगोपॉली मार्केट है लाइक like, टेलीकोम्युनिकेशन की अगर हम बात करें इंडिया में एक ही प्रोडक्ट है बट कंपनीज जियो एयरटेल या वोडाफोन या फिर आइडिया ये आपस में कंपीट कर रही हैं तो बेसिकली एक सेम प्रोडक्ट है तो आप उसे प्योर ओलिगोपोली मार्केट कहेंगे और अगर कोई अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है लाइक जैसे हम टक्कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट एप्पल को दो बड़े बड़े ब्रांड हैं, बट दोनों का वर्क करने का तरीका अलग है मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर वगैरह पे काम कर रहा है बट ये लोग मोबाइल फोन्स पर भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर्स पे भी काम कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट कुछ डिफ्रेंशिएट है और कुछ प्रोडक्ट सिमिलर है तो यहाँ पर प्योर ऑलिगोपॉली नहीं देखने को मिलेगा ठीक है प्योर ऑलिगोपॉली केवल वहीं पर देखने को मिलेगा जहाँ पर आपके पास सेम होमोजीनस प्रोडक्ट हो ठीक है करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इंटरडिपेंडेंसी होती है अब देखिए क्या होता है कि जो मार्केट है यहाँ पर ये मार्केट में आपके पास एक फॉर्म दूसरे फॉर्म पर डिपेंडेंट होती है लाइक like मैं क्या अगर एग्जाम्पल लूं जैसे कि आप देखें आ, आ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टेली की बात ही कर लें जियो ने जब सभी ऑफर्स मतलब सभी प्लान्स अपने जो है कम कर दिए तो बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं उन सभी ने अपने प्लान्स को क्या करा कम करा बिकॉज कंपटीशन में अगर बने रहना है तो उन्हें भी पता है कि भाई हमें भी इस कंपनी के आ, जो पॉलिसी है उसको ही चलना पड़ेगा वरना अगर हम आ, इसके जैसे नहीं करेंगे तो हम मार्केट स्ट्रक्चर से पूरे बाहर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इंटर डिपेंडेंसी हो जाती है एक फर्म की दूसरे फर्म पर डिपेंडेंसी देखने को मिल जाएगी ठीक है यहां पर number of competitors तो कम चेंज इन आउटपुट प्राइस प्रोडक्शन कंपनीज पर भी ला सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग यहां पर आपके पास जो फर्म है वो एडवर्टाइजिंग पर और सेलिंग पर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पैसा खर्च करती है बिकॉज वो चाहते हैं कहीं कही ना कहीं हमारा ब्रांड प्रमोशन बहुत ज्यादा हो हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमें कर पाए किसी अदर फर्म के कम्पेरिजन में तो ड्यू टू इंटर डिपेंडेंस वेरियसिट एपन टू द इनक्रीज मार्केट शेयर अकॉर्डिंग टू to Professor Bonnot, it's the द oligopoly that advertisements comes fully in its own. अपने आप मतलब पूरे तरीके से ये जो है एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करते हैं थर्ड पॉइंट आप दे सकते हैं इंटर डिटर्मिनेश डिटर्मानेट्स ऑफ द डिमांड कर्व्स फेसिंग एन ऑलिगोपॉली अब यहाँ पर जो डिमांड कर्व होता है आपके पास इंटर डिटर्मिनेट्स होता है मीन्स आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो कुछ अलग तरीके का मिलेगा अभी हम पढ़ेंगे किंक डिमांड कर्व के बारे में तो आप वहाँ पर देखेंगे डिमांड कर्व अलग तरीके से बनता है माकी जो मार्केट है उनके कंपैरिजन में अगर आप देखें अंडर द मोनोपोलिटी कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विच आर क्लोजली क्लोज सब्सटीट्यूट हैंस चेंज इन प्राइस बाय वन वी हैव द नेग्लिजिबल इंपैक्ट ऑन ईच ऑफ द राइवल सो वी कैन वेरली अज्यूम दैट द प्राइज ऑफ द राइवल अनचेंज यानी कि प्राइजेस उनके अनचेंज रहते हैं कि भाई बहुत सारा फर्म्स हैं इट्स मेक्स द चेंज इन प्राइस इट्स प्रोडक्ट बट ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस इन ऑलिकोपोली आ फर्म्स कैन नॉट

प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी डिफ्रेंशिएट एंड फ्यू फर्म्स अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स ठीक है इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है भाई देखिए किसी रीजन के वजह से जो है वो बैरियर्स क्रिएट कर पा रहे हैं लाइक like, आप कह सकते हैं कि आ, मैं एक टेलीकॉम इंडस्ट्री क्यों नहीं खोल सकता जैसे जियो आया ऐसे एक और टेलीकॉम इंडस्ट्री क्यों नहीं आ सकती बिकॉज इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि ह्यूज लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए वहाँ पर तो ये एक एंट्री बैरियर हो सकता है या फिर एंटर बेरियर हो सकता है कुछ नेच नेचुरल चीजों के बेस पर लाइक आप कहिए कि गल्फ कंट्रीज में आपको ज्यादातर प्रोडक्शन देखने को मिलता है ऑयल्स का वहाँ पर ऑयल वहां पर, पर प्रोड्यूस हो रहा है वहां से निकल रहा है तो क्या वो हर देश में मिल सकता है नहीं मिल सकता तो वहां की जितनी भी फर्म्स हैं वो एक कार्टल बना लेते हैं वो एक फर्म्स जो है ऑलिकोपॉली मार्केट के अंदर आ जाती हैं तो उनको एक नेचुरल ऑलिकोपॉली मार्केट का एक एंट्री बैरियर मिलेगा कि और कोई आ नहीं सकता और भी अदर अदर तरीके के एंट्री बैरियर्स हो सकते हैं ठीक है किसी का स्केल ऑफ इकोनॉमीज हो सकता है पेटेंट हो सकता है एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी हो सकता है नीड टू स्पेंड मोर मनी फॉर द नेम रिकोनाइजेशन इन द मार्केट इन एडिशन इनक्यूबेंट फर्म्स में द स्ट्रेटेजिक एक्शन टू एंट्री एग्जाम्पल माइट थर्टीन ऑफ फ्लड मार्केट एंड द डिराइव प्राइस डाउन एंटर एक्वाइर एंड मेक द क्रेडिबल दे कैन कंस्ट्रक्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर जाना भी चाहता है प्राइस को कम करके और प्रोडक्शन को बढ़ा के बट वो एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगा प्राइसेस वहां पर चेंज नहीं होंगे अब हम बात करते हैं किंक डिमांड कव मॉडल की अब देखिए डिमांड कव इनडेटाम होता है वो यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आएगा इस मॉडल में तो किंग डिमांड का मॉडल जो है फॉरवर्ड किया गया था पॉल एम स्विजी एंड

कभी प्राइस के चेंज होने पर आपके पास किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है इलास्टिसिटिक शो होती है बट किसी की इन इलास्टिक शो होती है उसके वजह से आपके पास डिमांड कर्व का शेप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन के लिए तो वहां पर आपके पास एक किंकड पॉइंट मिल रहा होता है किंग पॉइंट का सिंपल सा मतलब है ये एक पॉइंट है अगर कर्व इस पॉइंट तक यहां से आ रहा है तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इसने कर्व का कर्वेचर चेंज कर दिया

कि भाई यहां पर प्रवेलिंग प्राइसेस जब आप हायर रख रहे हैं तो वेरी इलास्टिक अगर लोअर रख रहे हैं तो लेस इलास्टिक है भाई लोअर अगर प्राइसेस कर रहे हैं तो आपके पास लेस इलास्टिक डिमांड का और अगर हायर रख रहे हैं तो बहुत ज्यादा इलास्टिक डिमांड का बेसिकली सिंपल सा मतलब है अगर प्राइसेस ज्यादा हो रहे हैं तो वहां पर आपको डिमांडेड में इलास्टिसिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है ऐसा हो सकता है कि उस वक्त डिमांड कम हो उसकी और जब आपने प्राइजेस को कम कर दिया तो लेस इलास्टिसिटी देखने को मिले उतना ज्यादा जितना प्राइस में चेंज हुआ है उतना डिमांड में चेंज देखने को ना मिले है ना ऐसा हो सकता है ठीक है और ये क्यों होगा इलास्टिस बिकॉज यूजुअली फॉम प्राइजेज राइज इज मैच नॉट बट प्राइज फॉल इज मैच बाय राइवल यानी कि जब प्राइजेस लेस हुए यानी कि प्राइजेस आपने एक बढ़ाए तो भाई वो मार्केट की डिमांड को मैच ना करे ऐसा होता है ना कि जैसे सपोज दैट मैं हूं और एक और फर्म है अगर मैंने प्राइजेस को बढ़ा दिए तो शायद मैं डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं बट जब मैंने प्राइस दूसरे फर्म ने मेरे प्राइजेस को देख कर अपने प्राइजेस कम कर दिए लाइक like मैंने कहा कि मैंने किसी प्रोडक्ट का प्राइस दस रुपये रखा और शायद डिमांड क्रिएट नहीं हुई मार्केट के अंदर दस रुपये पर बट दूसरे फर्म ने नौ दस रुपये का प्राइस देखा और मेरी केस स्टडी को देखकर समझा कि दस रुपये पर डिमांड क्रिएट नहीं हुई तो शायद वो लोअर प्राइस कर दे और प्राइजेस को नाइन रुपीज़ तक कर दे ठीक है और प्राइसेस जब फॉल हो जाए तो राइवरली के प्राइसेस फॉल होने पर ये मैच हो जाए मतलब डिमांडेड क्रिएट हो जाए मार्केट के अंदर ये बात की जा रही है विद अ किंग डिमांड का देयर आर टेंडेंसी दैट्स फर्म्स कीप्स देयर प्राइसेस कांस्टेंट इन स्पिट्स ऑफ चेंज इन डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशन अब देखिए डिमांड की कंडीशन में और कॉस्ट की कंडीशन में फर्म चाहे तो अपने प्राइसेस को कांस्टेंट भी रख सकती है ठीक है और विद किंग डिमांड का मार्जिन रिवेन्यू द किंग मार्जिनल रिवेन्यू ही जो है किंग डिमांड का शो करेगा देखिए यहां पर समझेंगे क्रिटिसिज्म पहले आप देख लीजिए इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस इन द फर्स्ट प्लेस इट डज नॉट अप्लाई टू प्राइज लीडरशिप एंड द कार्टल दैट इज डज नॉट एक्सप्लेन दीज बि यानी किटल और पीट प्राइस लीडरशिप मॉडल्स में ये सब आपको नहीं होंगे आगे जाकर हम प्राइस लीडरशिप मॉडल्स वगैरह समझेंगे तब तो आपको मैं बताऊंगा अब देखिये पहला डिमांड का आप समझते हैं इस डिमांड कम में अगर आप देखें तो ये आपके ए आर कर्व है और ये आपका एम आर कर्व है अगर चेंज इन कॉस्ट विद लिमिट नॉट इफेक्ट प्राइजेस अब देखिये

तो बेसिकली ये शो कर रहा है कि आपके पास प्राइजेस कॉन्स्टेंट रहने पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है कुछ हद तक इस क्वांटिटी पे कांस्टेंट हुई उसके बाद यहां पर चेंजेस देखने को मिला इलास्टिसिटी देखने को मिली बेसिकली आप अगर यहां इस वाले पोर्शन की बात करें तो ये आपके पास हाइयर प्राइजेस पे प्राइस इलास्टिसिटी क्या है इलास्टिक है बट ये किंकड पॉइंट है ये वाला किंगड पॉइंट है जहां पर मैंने बनाया इसके बाद अगर आप देखें तो ये लेस इलास्टिक हो जाता है जैसे कि हमारे पास कंडीशन है ए आर कर वी तो आपका डिमांड होता है ना

तो ये प्राइस को इफेक्ट नहीं कर रहा है प्राइस क्या है सेम है उसी सेम प्राइस पर आप इतनी ही डिमांड कर पा रहे हैं पहले से ज्यादा की बिकॉज ये ये आपके पास कर वे, यहां तक आप इसको डिमांड कर सकते हैं तो इस पर आपके पास एम आर टू यहां पर आया और ये डिमांड कर्व यहां पर निकल कर आ जाएगा क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आया होगा अब नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं बेटर मॉडल के बारे में तो इट ये इंट्रोड्यूस किया गया एटीन एटी थ्री के अंदर क्लियर और ये मॉडल जो है गेम इन्वॉल्विंग टू फर्म साइमल्टियसलीस टू बी चार्ज टू देयर प्रोडक्ट अब अपने प्राइस अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस चार्ज करना चाहते हैं इसके लिए मॉडल जो है बेसिकली डिपेंड होता है बनाया गया था अगर बेटर मॉडल देखें आप डिओपोली में डिओपोली का सिंपल सा मतलब है केवल दो फर्म है दो फर्म के अलावा नहीं है ठीक है अभी हमने बात न, की ना फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स की वहां पर हम अभी केवल दो फर्म्स की बात करें तो दो फर्म्स के बीच के गेम को ये शो करेगा ठीक है उनके प्राइजिस डिसीजन के ऊपर तो अट्स uh, अज्यूम करते हैं हम कि दो फर्म्स जो है प्रोड्यूस करती हैं होमोजिनस प्रोडक्ट एट द सेम मार्जिनल कॉस्ट सी पर ठीक है और मार्केट डिमांड बाय मार्केट डिमांड हम शो करेंगे डीपी के द्वारा तो डिमांड कब जो है शो करेगा इक्वल्स टू और P2, दोनों के प्राइजेस यहां पर मैंने लिए हुए तो डिमांड कर प्राइजेज वन इफ प्राइजेज इज लेस देन प्राइज वन इज लेस देन टू प्राइज टू डी पी टू इक्वल्स टू प्राइजेज ग्रेटर इक्वल्स टू दोनों के बोथ हो जाएंगे और अगर आपके पास डिमांड कब इफ द प्राइजेज

प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो रहा है इनका जीरो प्रॉफिट कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है better better के अकॉर्डिंग और C2, P2, uh, e. E यहाँ पर आपके पास एक कॉन्स्टेंट ले लिया गया है ठीक है और जो ई e जो है आपके पास वो ग्रेटर देन जीरो है, प्राइस इज वन ग्रेटर ठीक है तो नेस्ट इक्विबिर आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा अब हम बात करते हैं कॉर्नॉट मॉडल की ठीक है कॉर्नोट मॉडल की अगर हम बात करें ठीक है इट इज सिंपली मॉडल ऑफ द डुओपोली इंट्रोड्यूस बाय फ्रेंच इकोनॉमिस्ट अगस्टिन इन एन थर्टी एट में ठीक है ये भी आपको याद रखने की जरूरत है इन दिस मॉडल ईच फॉर्म्स प्रोड्यूस अ अमोजीनस प्रोडक्ट विद मार्केट डिमांड नोन टू वेरी फर्म ईच फर्म्स मस्ट डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस एट द सेम टाइम

उसके बेस पर मैं अपने के बेस पर ही डिसाइड करूंगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए तो यहां पर आपके पास फर्म्स वन के आउटपुट डिसीजन को अगर आप देखें तो ये तो एमसी कॉस्ट है अभी हमने कांस्टेंट माना हुआ है मार्जिनल कॉस्ट को तो सपोज दैट मैं मान के चलता हूं देखिए यहां पर डी जो है मार्केट डिमांड कर वै डी वन डी इज द डिमांड कम ऑफ फर्म वन अज्यूमिंग दैट फर्म दैट फर्म्स टू प्रोड्यूस नथिंग फर्म टू कुछ भी नहीं बना रही है म्स प्रोफिट मैक्सिमाइजिंग क्वान्टिटी इज क्यू वन स्टार तो वहां पर फर्म वन का क्वांटिटी मैक्सिमाइजेशन यहां पर है क्यू वन पर स्टार पर ठीक है क्लियर है एंड डी टू फॉर्म फिफ्टी फॉर्म वन डिमांड का बीज अज्यूम दैट क्यू टू इज क्वाल टू फिफ्टी देन फर्म्स वन प्रोड्यूस क्यू टू स्टार अगर फर्म टू जो है मतलब फर्म वन जो है अगर डिसाइड करती है कि वो फिफ्टी यूनिट्स बना रही है ये ये डिमांड का फिफ्टी यूनिट्स का है ठीक है तो फिफ्टी वन यूनिट्स अगर ये बना रहे हैं तो फिफ्टी वन यूनिट्स बना रहे तो प्रोड्यूस कर रही है प्रोड्यूस Q2 Q2 की जा रही है, यहां पर आपके पास MR2 कर्व के साथ, है? ऐसे ही अगर सेवनटी फाइव यूनिट्स डी थ्री जो डिमांड है फर्म वन डिमांड का विट्स अज्यूम दैट क्यू टू क्वान्टिटी पिचत्तर दैन द फर्म्स वन प्रोड्यूसेस क्यू थ्री और अगर फर्म टू ने डिसाइड कर लिया कि मैं पिछहत्तर क्वांटिटी बना रही हूं तो भाई वो Q3 क्वांटिटी बनाएगा उससे भी कम क्वांटिटी बनाएगा तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है एक फर्म का दूसरे फर्म के बीच में तो फर्म वन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट दिस इज डिक्रीजिंग शेड्यूल हाउ मच इट्स थिंक्स फर्म विल बी प्रोड्यूस कितना फर्म टू जो है प्रोड्यूस कर रही है उसके बेस पर यहां पर ये यह जो है डिसाइड किया जाएगा ठीक है यहां पर आप देखें तो कुछ भी डिमांड कब ये शो कर रहा है ये 50 डिमांड कब शो कर रहा है या 75 यूनिट्स के लिए डिमांड का शो कर रहा है ठीक है ठीके? रिएक्शन कर्व अगर देखें इनका रिएक्शन कर्व बेसिकली शो करता है कि एक के आ, मतलब उसने कितना प्रॉफिट किया कितनी क्वांटिटी आउटपुट की तो मेरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी कितनी होगी रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड द अमाउंट इट्स थिंग्स दैट्स कम्पटिटर विल बी प्रोड्यूस कितना कितना प्रोड्यूस कर रहा है तो अगर कुड नॉट इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो इक्विलिब्रियम जो कुड नॉट मॉडल में आएगा हर फर्म प्रोड्यूस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल आउटपुट बाइक जितना प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग होगा उतना आउटपुट हाफ फर्म जो है बना रही होगी एंडल सच दैट नो इंसेंटिव टू चेंज देयर आउटपुट एंड इट्स इन एग्जाम्पल ऑफ नैश इक्म इट्स दैन गिवेन इंट्रेक्शन बिटवीन टू रियक्शन अगर आप ये देखें ये कॉम्पिटिशन है और ये आपके पास फर्म्स का रिएक्शन कर्व है एक और ये आपके पास एक कर्व गया तो ये दोनों इस पर आपके पास कट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास कल्यूजन दोनों का देख मिल रहा है और यहाँ पर इनका जो क्वांटिटी Q2 है और जो Q1 है फर्म वन की क्वांटिटी और फर्म टू की क्वांटिटी आपके पास ये इक्वल इक्वल निकल कर आ जा रही है देख सकते हैं आप एक इक्विब्रम निकल के आ रहा है और इसी सेम पॉइंट पर आपके पास अगर आप ज्वाइंट करें तो ये आपके पास एक पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर दोनों कल्यू मिलकर बनाएं तो कम आउटपुट उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा और बेनिफिट ज्यादा होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन ज्यादा आ जाएगी ये ए पॉइंट ये आपके पास शो कर रहा है आप सभी को समझ में आया होगा अब हम बात करते हैं स्टैकल्ड बर्ग मॉडल की जो नाइनटीन में आया था ये भी मूव गेम मॉडल के ऊपर है जहां पर एक फर्म सेट करती है आउटपुट बिफोर अदर फर्म्स डू ठीक है पहले वाले में क्या था वहां पर फर्म एक डिसाइड करती थी कि कितना आउटपुट बना रहा है उसके बेस पर दूसरी फर्म जो है डिसाइड करती थी यहां पर क्या हो रहा है वन फर्म सेट्स इट्स आउटपुट बिफोर दैट्स अदर फर्म दूसरे फर्म्स के डिसाइड करने से पहले वो डिसाइड कर लेती है कि मेरा मैक्सिमाइजिंग आउटपुट क्वांटिटी कितनी होगी अब आप सोच रहे होंगे ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है बट देखते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड क्वांटिटी लीडरशिप मॉडल मतलब वो खुद अपने आप में डिसाइड कर रही है कि इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना बेटर होगा और दूसरे फर्म को चला रही है इसलिए एक लीडरशिप मॉडल आप इसे कह सकते हैं क्योंकि देखिए बाकी मॉडल्स में अगर आप देखें तो जितनी भी फर्म्स हैं वो रिएक्ट कर रही थी दूसरी फर्म के बेस पर बट इसमें क्या हो रहा है एक फर्म खुद अपना डिसीजन ले रही है और बाकी फर्म्स को उस डिसीजन पर रहने के लिए मजबूर कर रही है बेसिकली वो मार्केट में लीडरशिप की तरह जो है क्या कर रही है बिहेव कर रही है ठीक है ना

आउटपुट डिसीजन डिसीजंस इट्स टू ओन आउटपुट फर्म टू फॉलोअर हो गया तो एमसी वन टू एम सी टूल दोनों की कॉस्ट बराबर होनी चाहिए तो ये रहा एक डिमांड कर वी गॉट फर्म टू रिएक्शन फंक्शन इज दिट्स ये फर्म टू का रिएक्शन फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया देखिए ये यहाँ पर आप अभी डायग्राम में बताऊंगा लीडर मैक्सिमाइजिंग इज प्रॉफिट अपना प्रॉफिट अगर वो मैक्सिमाइज करते हैं तो वो क्यू वन क्वांटिटी थर्टी माइनस क्यू टू अब देखिए क्यू टू यहाँ पर डिसाइड करेगा कि टोटल क्वांटिटी कितनी है टोटल क्वांटिटी आपके पास बेसिकली क्यू टू प्लस क्यू वन के बराबर होगी मतलब दोनों फर्म्स की टोटल क्वांटिटी तो ये माइनस साइन था अंदर जाकर ये हमने माइनस को मल्टीप्लाई और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव में हो गया कि अगर किसी स्टूडेंट को समझ में न आए हो तो समझा दिया मैंने या फिर हमने इसको पूरा सॉल्व करा और फिर क्यू टू क्वांटिटी की जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दी और फिर मैंने पाई को पाई यानी कि प्रॉफिट फंक्शन निकाला और प्रॉफिट फंक्शन को फिर डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू क्यू वन बिकॉज क्यू वन क्वांटिटी और वहां पर फर्म ही जो है आ, लीडर है तो वहां पर क्वांटिटी आपके पास ये जीरो के इक्वल शो क्वान्टिटी वन और क्वांटिटी टू निकलकर आपके पास कि कितना कितना होगा तो देखिए फर्म वन का अगर आप रिएक्शन कर्व देखें जो कि लीडर है उसका रिएक्शन कर्व ये रहा फर्म टू जो कि फॉलोअर है उसका रिएक्शन कर्व आपके पास ये रहा ठीक है उन दोनों के अकॉर्डिंग यहां पर जब दोनों मैच कर जाते हैं दोनों के फर्म्स के तो ये कुरॉट इक्विलिब्रियम होता है अभी अभी हमने देखा बट स्टेकलग मॉडल अगर हम देख रहे हैं तो मॉडल में आपके पास जहां पर दोनों की क्वांटिटी ये क्वान्टिटीं स्टेकल बाग होगा बिकॉज फॉलोअर जो होगा वो ज्यादा मतलब क्वांटिटीज उसकी बाद में डिसाइड होंगी और पहले जो फॉलोअर लीडर uh, है उसने पहले डिसाइड कर दिया होगा तो इस पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगा गोइंग फर्स्ट फर्म्स वन वन एन एडवांटेज फर्म्स वन लीडर चूज इज पॉइंट ऑन फर्म्स टू रिएशन करेगाबल प्रॉफिट यहां पर शो होगा और ये कॉर नॉट है दोनों को एक मतलब दोनों को ज्यादा बेनिफिट मिला बट स्टेगलबर्ग में जो लीडर होगा जो लीडर होगा उसको ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा इसलिए फर्म्स वन जो है यहाँ पर, पर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग ढूंढेगी अब देखिए थी इट इज दल्यूजिव ऑलिगोपॉलीगोपोली का सिंपल सा मतलब एक आपके पास नॉन कॉल्यूजिव एक होता है, collusive. -collusive का सा मतलब है सभी फर्म्स अलग अलग काम कर रही है का मतलब है कि भाई सभी फर्म्स मिलकर काम कर रही है जैसे कि आप ओपेक को देखते हैं ओपेक एक कार्टल है ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जहां पर सभी फर्म्स जो हैं, एक कार्टल, एक हुए हैं और एक है वो और मिलकर काम कर रहे होते हैं तो अगर वो मिलकर काम कर रहे हैं तो वहां पर एक लीडर है और बाकी सभी उसके फॉलोअर हैं तो वही प्राइड लीडरशिप मॉडल की हम बात कर रहे हैं जहां पर कॉल्यूजन ओलिगोपॉली में इसको आपको देखने को मिलेगा विच वन वन फर्म्स रेगुलरली अनाउंस प्राइजेस एक फर्म्स अनाउंस करेगी प्राइजेस को चेंजेज द अदर फर्म्स देन मैच और अदर फर्म्स उसके डिसाइड को मैच करते जाए जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल इन सभी के प्राइस जो है वो चेंज होते रहते हैं।, ओपेक में एक वो decide कर रहे हैं और बाकी जितने भी फर्म्स है वो क्या है वो लीडर नहीं है वो फॉलोअर है वो उस फर्म्स के प्राइजेस को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट के अंदर बस दैट्स इट्स और कुछ नहीं हो रहा है ठीक है एवरी वन चार्जेज वट द लीडर इज चार्जिंग लीडर जितना चार्ज कर रहा है एग्जाम्पल इन इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मारुति उद्योग होस्ट द ट्रेडिशनली बींग द प्राइज लीडर अदर फर्म्स अंडर दिस मॉडल दैट दैट द बेटर ऑफ जस्ट मैचिंग द लीडर प्राइज रेदर लीडर और ईच अदर मतलब अपने एक दूसरे को कम्पिटीट करने की लीडर को फॉलो करते हैं इट इज अज्यूम दैट प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट यहां पर क्या होगा होमोजीनस होगा टाइप्स ऑफ लीडरशिप अगर आप देखें तो पहला हो सकता है प्राइस लीडरशिप बाय लोएस्ट कॉस्ट फर्म

डोमिनेटिंग फर्म प्राइस लीडर लीडरशिप यानी कि यहां पर जिस भी फर्म ने लार्ज मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा होगा वो प्राइस को डिसाइड करेगी सिंपल सा मतलब है है ठीक आगे बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप यहां पर ओल्ड एक्सपीरियंस लार्जेस्ट मोस्ट रिस्पेक्टेड जो फर्म होगी पूरी इंडस्ट्रीज के अंदर वो डिसाइड करेगी प्राइस मार्केट के ठीक है अज्यूम दैट रेट ऑफ कस्टोडियन आल्सो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री विच ऑल फर्म्स फॉल और ठीक है तो सारी फर्म्स इसको फॉलो कर रही होंगी डोमिनेटिंग फर्म मॉडल को अगर आप देखें तो डिमांड का फेस करेगा बाय लीडर इक्वल्स टू द मार्केट डिमांड डिमांड माइनस फॉलोअर कर्व यानी कि जो पूरी मार्केट का डिमांड कर्व होगा उसमें से अगर फॉलोअर का डिमांड कर्व माइनस कर देंगे तो आपके पास लीडर का डिमांड कर्व आएगा डोमिनेटिंग फर्म में तो देखिए डोमिनेटिंग फर्म में अगर मैं आपको बताऊं फॉलोअर सप्लाई कर भी रहा और आपके पास डिमांड कर भी रहा रेजिडुअल ठीक है फेसिंग द लीडर और बाकी सभी जो है आपके पास एम आर कर्व है ये लीडर का और बाकी सभी जो है आपके पास एम सी कॉस्ट है ये लीडर की और बाकी सभी मार्केट का डिमांड कर्व है तो मार्केट के डिमांड कर्व को अगर आप माइनस करते हैं जितने भी आपके पास फॉलोअर uh, हैं तो उसके बेस पर आपके पास डिमांड कर्व क्रिएट होता है लीडर का ठीक है सिंपल अब हम बात करते हैं काटल की तो काटल सिंपल सी एक कंडीशन है आपके पास ठीक है जहाँ पर सभी फर्म्स जो हैं मिलकर काम कर रही होती अटेम्प्टेड टू सेट द प्राइसेस एंड क्वांटिटी टू मैक्सिमाइज देयर कंबाइंड प्रॉफिट मतलब एक दूसरे से लड़ने की जगह पर कंबाइंड प्रॉफिट के बारे में ये लोग ज्यादा सोच रहे होंगे आर नोन एज द कार्टल उसे आप कार्टल कहेंगे इट इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ फर्म्स दैट जॉइंटली कल्यूड टू बिहेव लाइक अ सिंगल मोनोपोलीस्टिक एंड मैक्सिमाइज सम ऑफ देयर प्रॉफिट ठीक है वो एक सिंगल मोनोपोलिस्टिक फर्म के द्वारा क्या कर रहे होंगे बिहेव कर रहे होंगे ठीक है और एग्जाम्पल के तौर पर ओपेक के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वो एक सबसे बड़ा कार्टल है और इस कार्टल में मतलब एक लीडर है और बाकी सभी है उसको क्या कर रही होती है फॉलो कर रही होती है कंडीशन ऑफ द काटल सक्सेस हाईली इलास्टिक इन इलास्टिक मार्केट डिमांड का यहां पर मार्केट डिमांड का क्या होता है इन इलास्टिक होता है जिसकी वजह से हाई प्राइस चार्ज कर पाते हैं कम क्वांटिटी को सप्लाई करके स्मॉल इंसेंटिव टू चीट और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ऑफ द चीटिंग अगर कोई चीट करता है तो उसको पनिशमेंट वगैरह भी दी जाती है परफेक्ट कार्टल क्या है जहां पर प्राइस या आउटपुट डिटरमाइन किया जाता है पूरी इंडस्ट्रीज के द्वारा एज वेल एज ईच मेंबर और कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जो अचीव करेगी मैक्सिमम जॉइंट प्रॉफिट को और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सभी फर्म्स के एग्रीड होने पर यहां पर आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं ये ठीक है, का, यह है हम कर रहे मिलकर, तो यहां पर आपके पास मार्जिनल कॉस्ट दोनों फर्म की मिलकर बनेगीबिर होगा और इतना प्रॉफिट हम जो है टोटल क्या कर पाएंगे देखिए बढ़ा पाएंगे देखिए पहले इसको इतना प्रॉफिट हो रहा था इसको इतना प्रॉफिट हो रहा था तो अब देखिए दोनों ने साथ मिलकर किया तो ये प्रॉफिट जो है इनका एक बड़े लार्जर शेयर में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया एलोकेटिंग ऑफ द आउटपुट कोटा टू ईच ऑफ 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 द द द फर्म इज मेड ग्राउंड मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग कॉस्ट कॉस्ट उनकी सबसे कम रहती है एंड नोटेड बाइज ऑफ द डिटरमाइनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा यहाँ पर क्लियर स्टूडेंट्स तो ये सभी था ऑलिगो पॉली मार्केट के बारे में होपफुली आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टर मार्केट के बारे में जो है डिस्कशन कर रहे होंगे कि फैक्टर मार्केट जो है किस तरीके से इसमें डिमांड कव जो है बनते हैं तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं